जेडीयू पार्टी कार्यालय में आज यानी शनिवार को राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग से पहले पटना की सड़कों पर सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर पटना में अलग अलग चौक चौराहे पर लगाए गए हैं। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर के साथ लिखा गया है कि प्रख्यात समाजवादी बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। ये पोस्टर जेडीयू के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह की तरफ से लगाया गया है। पोस्टर में सीएम नीतीश को बताया गया विकास पुरुष। जेडीयू नेता की तरफ से लगाए पोस्टर में नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया गया है, साथ ही सीएम को प्रख्यात समाजवादी नेता भी बताया गया है। ये पोस्टर जेडीयू उन पोस्टरों के पास लगाए गए हैं जो राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग के लिए आने वालों के स्वागत के लिए लगाया गया है। मीटिंग में किन चीजों पर हो सकती है चर्चा? बताया जा रहा है कि आज जेडीयू की मीटिंग में आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर चर्चा होने के आसार हैं। दरअसल आगामी चुनाव में जेडीयू कम से कम 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। जून में भी लगे थे पोस्टर। इससे पहले जून महीने में जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाए गए थे। पोस्टर में सीएम नीतीश की फोटो के साथ टाइगर जिंदा है लिखा हुआ था। पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कि नीतीश कुमार के प्रभाव की वजह से एनडीए ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। एनडीए के दोनों सहयोगियों भाजपा और जदयू में बिहार में 12-12 सीटें हासिल की थी। जानते बताते चले कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को जनवरी महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। यह पुरस्कार उनकी मृत्यु के 35 साल बाद दिया गया था। जेडीयू और आरजेडी समेत बिहार की पार्टियां भी ये लंबे समय से मांग कर रही थी। तो उस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और जो ये मांग उठ रही है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।